आज की इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का इन पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 कंप्लीट करा चुका हूँ और इस एक्सरसाइज के ऊपर दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक्स दे दिया है, उन्हें लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, देखिए, इन एन एपी गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। मतलब किसी भी एपी सीरीज का ए का वैल्यू 5 दे रखा है, ए मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू 5 दे रखा है, डी इक्वल टू 3, डी मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 3 दे रखा है, एन इक्वल टू 50, एन मतलब nth टर्म का वैल्यू 50 दे रखा है। हमें निकालना है n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग पहले 3 का रोमन 1 सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पर देखिए, a का वैल्यू दिया गया है 5, d का वैल्यू दिया गया है 3, नेक्स्ट an का वैल्यू दिया गया है आपका 50। अब देखिए, an का मतलब क्या होता है, an का मतलब होता है आपका nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एपी सीरीज का nth टर्म का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो हम लोगों ने an को रिप्लेस करके a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख लिया, इज इक्वल टू 50। दिस इंप्लाइज अभी हम लोग यहां पर a और d का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। तो a का वैल्यू 5, तो यहां पर हम लोगों ने 5 पुट कर लिया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है 3, तो यहां पर हम लोगों ने 3 पुट कर लिया, इज इक्वल टू 50। सो दिस इंप्लाइज एन माइनस वन इंटू 3, इस 5 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 5। सो दिस इंप्लाइज एन माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। सो दिस इंप्लाइज एन माइनस वन 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 बाई 3, यहां पर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। सो दिस इंप्लाइज एन माइनस वन इज इक्वल टू 15 इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू 1 को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 1, तो फाइनली यहाँ पर 15 प्लस 1 16, तो एन का वैल्यू आ गया 16। तो हमें एन का वैल्यू निकालना था तो हम लोगों ने यहाँ पर एन का वैल्यू निकाल लिया, एन का वैल्यू आ गया आपका 16। अभी हम लोग यहाँ पर एस एन का वैल्यू निकालेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो हम लोग यहाँ पर पहले तो एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, तो देयर फोर एस एन इज इक्वल टू, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए, यहां पर हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे, तो एन का वैल्यू कितना मिला है हम लोगों को, एन का वैल्यू 60 मिला है, दे आर फोर। तो दैट मीन्स हम लोगों को क्या निकालना था, यहां पर हम लोगों को निकालना चाहिए एस 16, एस 16, क्योंकि एन का वैल्यू हम लोगों को 16 मिला है। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे दे आर फोर एस 16 इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एन का वैल्यू 16 पुट करेंगे, ए का वैल्यू 5 पुट करेंगे और डी का वैल्यू 3 पुट करेंगे और फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो एस 16 का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट करते हैं, तो एन का वैल्यू 16, सो 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस एन, एन मतलब 16 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 3, सो दिस इज इक्वल टू, यहां पर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, तो यहां पर आ गया आपका 8 इंटू 2 इंटू 5 10 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस, यहां पर देखिए 16 माइनस 1 15 और 15 इंटू 3 यहां पर हो जाएगा आपका 45। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू, यहां पर देखिए 45 प्लस 10, 45 प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55, फाइनली 8 इंटू 55 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 440। तो यहां पर एस 16 का वैल्यू आ गया आपका 440। तो ये हो गया आपका रोमन वन का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमन वन का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहां पर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग यहां पर 3 का रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। 3 का रोमन 2 में यहां पर दे रखा है, देखिए, a का वैल्यू 7 दे रखा है, a मतलब फर्स्ट टर्म का वैल्यू 7 दे रखा है, नेक्स्ट a 13 का वैल्यू दिया गया है 35, हमें यहां पर निकालना है d और s 13। तो यहां पर सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। चलिए रोमन 2 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। a का वैल्यू दिया गया है 7, a 13 का वैल्यू दिया गया है 35। दिस इंप्लाइज अब देखिए फ्रेंड्स, a 13 मतलब एपी सीरीज का 13th टर्म। सो 13th टर्म किस तरह होता है, 13th टर्म होता है आपका a प्लस
ट्वेल्व डी ए प्लस ट्वेल्व डी, तो यहाँ पर ए 13 को रिप्लेस करके हम लोगों ने लिख लिया ए प्लस ट्वेल्व डी इज इक्वल टू 35. दिस इंप्लाइज अभी हम लोग यहाँ पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना है 7, तो 7 प्लस 12 इंटू डी इज इक्वल टू 35. सो दिस इंप्लाइज 12d is equal to 35, और 7 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 35 माइनस 7. सो दिस इंप्लाइज 12d is equal to 35 माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28. सो दिस इंप्लाइज d is equal to 28 by 12. अभी आप यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 3 12, 4 7 28, तो यहाँ पर फाइनली d का वैल्यू आ गया आपका 7 by 3. तो यहां पर हम लोगों को d का वैल्यू निकालना था, तो हम लोगों ने यहां पर d का वैल्यू निकल लिया. अभी हम लोगों को नेक्स्ट यहां पर देखिए s 13 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यहां पर पहले लिखेंगे, देखिए हम लोग यहां पर पहले sn का फॉर्मूला लिखेंगे. sn का फॉर्मूला क्या है, sn का फॉर्मूला है आपका n by 2 twice a plus n minus 1 into d, पर हम लोगों को यहां पर s 13 निकालना है, तो therefore s 13 मतलब n के प्लेस में हम लोग 13 पुट करेंगे. सो s 13 इज इक्वल टू 13 by 2 इनटू 2 इनटू a, a का वैल्यू कितना है 7, सो 2 इनटू 7 प्लस n कितना है n 13 है, तो 13 माइनस 1 इनटू d का वैल्यू कितना मिला है 7 by 3, तो इनटू 7 by 3 दिस इज इक्वल टू, तो 13 by 2. यहां पर देखिए 2 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14. यहां पर देखिए 13 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 7 by 3. यहां पर आप काटेंगे तो 3 4 जार 12 यहां पर कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 13 by 2 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 7 28. तो 28 यहां पर हम लोगों ने लिख लिया. दिस इज इक्वल टू 13 by 2 इंटू, यहां पर आप एड करेंगे, यहां पर 14 और 28 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42. यहां पर अभी आप 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21. तो फाइनली यहां पर आ गया 13 इंटू 21, और 13 और 21 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 273. तो यहां पर फाइनली एस 13 का वैल्यू आ गया 273, और ये हो गया आपका रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन. और मेरे ख्याल से रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा. तो फ्रेंड्स यहां पर वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए यहां पर अभी हम लोग रोमान 3 को सॉल्व करते हैं. रोमान 3 में यहां पर दिया गया है, देखिए a 12 इज इक्वल टू 37, d इज इक्वल टू 3, हमें यहां पर a और s 12 निकालना है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं. तो यहां पर देखिए रोमान 3 में हमें दे रखा है, देखिए a 12 इज इक्वल टू 37, नेक्स्ट d इज इक्वल टू 3 दिया गया है. अब a 12 मतलब 12th term, एक्चुअली a 12 क्या है 12th term, और 12th term एपी सीरीज का 12th टर्म किस फॉर्म में होता है, 12th टर्म होता है आपका a प्लस 11d. तो a 12 को हम लोगों ने रिप्लेस करके a प्लस 11d लिख लिया इज इक्वल टू 37. सो दिस इंप्लाइज a प्लस 11d, d कितना है 3, सो 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37. सो दिस इंप्लाइज a प्लस 3 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33 इज इक्वल टू 37. So this implies a is equal to 37, और 33 को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 33. फाइनली 37 माइनस 33 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4. तो यहां पर a का वैल्यू आ गया आपका 4. नेक्स्ट अभी हम लोग यहां पर s 12 निकालेंगे. तो s 12 पहले तो हम लोग s 12 निकालने के लिए हम लोगों को पहले sn लिखना पड़ेगा, तो हम लोग यहां पर पहले sn लिखेंगे. तो sn इक्वल टू, sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. हम लोगों को क्या निकलना है s12. So therefore s12 मतलब हम लोग क्या करेंगे, n को रिप्लेस करके 12 पुट करेंगे. n के प्लेस में ही हम लोग यहां पर क्या करेंगे 12 पुट करेंगे. So s12 is equal to 12 by 2 into 2 into a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हम लोगों को मिला है 4. So 2 into 4 plus n माइनस 1, n कितना है, n है आपका 12. सो 12 माइनस 1 इंटू d कितना है 3, सो इंटू 3 दिस इज इक्वल टू, यहां पर देखिए आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका
सिक्स, ये हो गया आपका सिक्स, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे सिक्स, किंतु यहां पर देखिए टू इंटू फोर, टू इंटू फोर यहां पर एट आ जाएगा, प्लस यहां पर देखिए ट्वेल्व माइनस वन इलेवन, और इलेवन इंटू थ्री करेंगे तो ये हो जाएगा आपका थर्टी थ्री, दिस इज इक्वल टू सिक्स। अब एट प्लस थर्टी थ्री करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41, ये हो जाएगा आपका 41, तो यहां पर 6 इंटू 41, 6 और 41 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 246, तो यहां पर फाइनली S12 का वैल्यू आ गया 246, और ये हो गया आपका रोमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी हम लोग यहां पर रोमान 5 को, सॉरी रोमान 4 को सॉल्व करते हैं। रोमान 4 तो आपका हाई लेवल प्रॉब्लम है, रोमान 3 तो हम लोगों ने कर लिया, रोमान 4 थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह का हाई लेवल प्रॉब्लम ही एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहां पर रोमान 4 को सॉल्व करते हैं। रोमान 4 में दे रखा है देखिए a3 is equal to 15, s10 is equal to 125, find d and a10, a10 मतलब 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म और d मतलब कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो चलिए क्या दे रखा है देखिए, पहले यहां पर दे रखा है देखिए a3 is equal to 15, a3 मतलब थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म का फॉर्म किस तरह होता है, थर्ड टर्म का फॉर्म होता है आपका a प्लस 2d, सो a प्लस 2d is equal to 15 हम लोगों ने लिख लिया, और इस इक्वेशन को हम लोग रोमान 1 नाम दे देते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए s10 is equal to 125, सो नेक्स्ट s10 is equal to 125 दिया गया है। यहां पर देखिए sn, हम लोग आप लोगों को यहां पर प्रॉब्लम हो तो यहां पर आप राफली sn लिख सकते हैं। sn is equal to क्या होता है, sn is equal to होता है आपका n by 2 twice a plus n minus 1 into d, तो हम लोगों को यहां पर s10 लिखना है। तो s10 कैसे लिखेंगे, s10 is equal to 10 by 2, तो पहले यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 10 by 2 into twice a, तो into twice a plus n minus 1, तो n minus 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125। यहां पर देखिए आप 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, सो दिस इंप्लाइज 5 से यहां पर 5 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए ट्वाइस ए प्लस 10 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 90 इज इक्वल टू 125, और 5 राइट साइड में जाएगा तो ये आपका डिवाइड होके ही जाएगा, सो दिस इंप्लाइज ट्वाइस ए प्लस 90, तो यहां पर 5 से इसको काटेंगे, सो 5 से इसको काटेंगे तो यहां पर आपका ये हो जाएगा आपका 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। सो फाइनली नेक्स्ट यहां पर दूसरा इक्वेशन आ गया, हम लोगों को दूसरा इक्वेशन मिल गया ट्वाइस ए प्लस 90 इज इक्वल टू 25। अभी हम लोग यहां पर रोमान, ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग यहां पर a और d का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद d का वैल्यू आ जाएगा a10, उसके बाद हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को यहां पर 1 और 2 इक्वेशन सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां पर देखिए a है और यहां पर ट्वाइस a है, तो हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 के साथ, इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, सो ट्वाइस a हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग 1 माइनस 2 करेंगे तो ट्वाइस a कैंसिल हो जाएगा और सिंपलीफाई करेंगे d का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इक्वेशन 2 कर लेंगे, तो क्या होगा देखिए इस इक्वेशन के साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ए प्लस 4d माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस 90 इज इक्वल टू देखिए इसके साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस क्या है, माइनस है आपका 25, सो दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए क्या है, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस 4d माइनस ट्वाइस ए माइनस 90 इज इक्वल टू 30 माइनस 25 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, सो ट्वाइस ए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट दिस इंप्लाइज 4d माइनस 90 ये हो जाएगा आपका माइनस 5d इज इक्वल टू 5, सो यहां पर देखिए d क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 बाई माइनस 5, तो यहां पर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1, तो d का वैल्यू आ गया आपका माइनस वन d का वैल्यू आ गया, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस यहां पर माइनस 1 मिल गया। अभी हम लोग इस d का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, सो नेक्स्ट 1 इंप्लाइज 1 क्या है, 1 है आपका a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, सो दिस इंप्लाइज a प्लस 2 इंटू d का वैल्यू कितना मिला है माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1
इज इक्वल टू 15, दिस इंप्लाइज ए। यहां पर देखिए प्लस और माइनस मिलकर यहां पर हो जाएगा आपका माइनस, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 15, सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 15। और 2 का राइट साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2, और 15 प्लस 2 करेंगे ये हो जाएगा आपका 17। तो यहां पर देखिए यहां पर हम लोगों को ए का वैल्यू 17 मिल गया और डी का वैल्यू यहां पर हम लोगों को निकालना था, तो हम लोगों ने पहले ही तो यहां पर डी का वैल्यू निकाल लिया माइनस 1। अभी हम लोग यहां पर ए 10 निकालेंगे, तो देयरफॉर नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए 10, और ए 10 मतलब क्या है, ए 10 मतलब है आपका 10th टर्म, और 10th टर्म का फॉर्म क्या होता है, 10th टर्म का फॉर्म होता है आपका ए प्लस 90। अभी हम लोग यहां पर करस्पोंडिंग वैल्यूज पुट करेंगे, तो ए का वैल्यू कितना मिला है 17, तो 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना मिला है माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 17। यहां पर देखिए प्लस और माइनस मिलके, प्लस और माइनस मिलके यहां पर हो जाएगा आपका माइनस, नेक्स्ट 9 इंटू 1 9, अब 17 माइनस 9 17 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। तो फाइनली ए 10 का वैल्यू आ गया 8 और डी का वैल्यू आ गया आपका माइनस 1, और ये हो गया आपका रोमन 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमन 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहां पर अभी हम लोगों को रोमन 5 सॉल्व करना है। रोमन 5 में दे रखा है देखिए d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये भी सिमिलर रोमन 4 की तरह ही है। तो यहां पर देखिए d का वैल्यू दिया गया है, d का वैल्यू कितना दिया गया है, d का वैल्यू 5 दिया गया है। नेक्स्ट s9, s9 का वैल्यू कितना दिया गया है, s9 का वैल्यू दिया गया है आपका 75। अब देखिए फ्रेंड्स Sn, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है आपका n by 2 twice a plus n minus 1 into d। Sn का फॉर्मूला होता है आपका n by 2 twice a plus n minus 1 into d। तो यहां पर S9, यहां पर S9 है तो S9 क्या होगा, S9 होगा आपका 9 by 2 twice a plus 9 minus 1 n minus 1, तो यहां पर हो जाएगा आपका 9 minus 1 into d is equal to 75, so this implies 9 by 2 into twice a plus, यहाँ पर 9 minus 1 करेंगे 8 हो जाएगा, into d, d का वैल्यू तो दे रखा है 5, so into 5 is equal to 75, so this implies, यहाँ पर देखिए इस 9 by 2 को हम लोग राइट साइड में लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए twice a plus 8 into 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 is equal to 75। तो इसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, सो दिस इंप्लाइज। यहां पर देखिए यहां पर हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, तो यहां पर सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए twice a plus 40 is equal to, यहां पर पहले तो 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 75। तो यहां पर कितना मिल गया, यहां पर मिल गया 2 into 25 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 divided by 3, so this implies twice a is equal to 40 को right side में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 50 by 3 minus 40 हो जाएगा, so this implies twice a is equal to, यहां पर देखिए LCM लेंगे तो कितना LCM हो जाएगा, 3 LCM हो जाएगा, तो यहां पर 3 से 3 को divide करेंगे 1 और 1 into 50 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 50 माइनस 3 से 40 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 120, सो दिस इंप्लाइज ट्वाइस ए इज इक्वल टू, यहां पर 50 माइनस 120 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 70 बाय 3, सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस 70 बाय 3 इंटू ये 2 यहां पर राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा। फाइनली यहां पर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 235070 होता है, तो यहां पर 2 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, सो फाइनली देखिए a का वैल्यू आ गया, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू कितना आ गया -35/3, सो -35/3। तो a का वैल्यू निकालना था, हम लोगों ने यहां पर a का वैल्यू निकाल लिया और a का वैल्यू आया है -35/3। अभी हम लोग यहां पर a9 को निकालेंगे, सो देयरफॉर a9 इज इक्वल टू, A9 मतलब क्या है, A9 मतलब 9th टर्म निकलना है, और 9th टर्म का फॉर्म किस तरह होता है, 9th टर्म का फॉर्म होता है आपका A plus 8D। अभी हम लोगों को यहां पर A और D का वैल्यू पुट करना है और सिंपलीफाई करना है, सो दिस इज इक्वल टू A, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है आपका -35/3 plus D 8 into D, D का वैल्यू कितना दे रखा है, D का वैल्यू दे रखा है 5, सो 8 into 5, सो दिस इंप्लाइज
माइनस 35 बाई 3 प्लस यहां पर 8 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40। सो दिस इंप्लाइज यहां पर एलसीएम लेंगे तो यहां पर 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू माइनस 35 यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 35 प्लस 3 से 40 को गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका माइनस ये हो जाएगा आपका 120। दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू 120 माइनस 35, 120 माइनस 35 करेंगे ये आ जाएगा आपका 85। सो यहां पर ए 9 का वैल्यू आ गया 85 बाई 3 और ये हो गया आपका रुमान 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रुमान 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो इस मेल एड्रेस में आप मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।